नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेदानुसार विद्यार्थी अनुशासन। आज इस पुस्तक की भूमिका हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस लेख के लेखक हैं और इस पुस्तक के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आज पूरे विश्व में विद्यार्थियों के अनुशासन को लेकर चिंता अनुभव की जा रही है। विद्यार्थियों की तरह यह चिंता अनुशासनहीनता विद्यार्थियों की देश के नवनिर्माण में बाधक बन रही है। उस समय सब काम बीच में ही छूट जाते हैं जब विद्यार्थी का एक साथ मिला कर घोष लगाते हुए बड़े अधिकारियों के सामने खड़े हो जाते हैं, जब यह अधिकारी उन्हीं के हित में कोई बड़ा निर्णय लेने के विचार कर रहे होते हैं। विद्यार्थियों के इस अनुशासनहीन प्रदर्शन के कारण उनके यह कार्य बीच में ही छूट जाते हैं। आज विद्यार्थी के लिए नाश के लिए अनेक साधन बन गए हैं जिनके कारण विद्यार्थी का ध्यान शिक्षा ग्रहण करने से हट जाता है। आज का राजनेता विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु बना दिखाई देता है, जो अपने अपने हितों के लिए विद्यार्थी के जीवन तक को दाव में लगाने से पीछे नहीं हटता। माता पिता, गुरुगण और साथ ही साथ गुरुजन के अलावा जिन बालक का भविष्य आधारित इन पर रहता है, सब अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता तो कहते हैं कि उनके पास अपने बच्चों को संभालने के लिए समय ही नहीं है। अध्यापकों को सरकार शिक्षा के अतिरिक्त अनेक प्रकार के कार्यों को समझा देती है, लगा देती है। इस कारण कुछ अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह बालकों को ठीक से शिक्षित करने में अक्षम हो जाते हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन और वातावरण भी कुछ इस प्रकार का बन गया है जो बालकों को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाए रखता है। यह भी उनकी हानि का प्रमुख कारण है। और जब वास्तविकताएँ जो है उत्तम ना हों, समस्याएँ जो है ज़्यादा हों, तब गलत दिशा देने वाली व्यवस्थाएं हो, जीवन को नष्ट करने वाली हो, तो फिर परिणाम हानि हो, सर्वनाश होता है, हानि ही नहीं। इसीलिए इससे भी हमें अपने आज के विद्यार्थियों को बचाना है। इस सब से एक बात तो हमारे सामने आती है, वह यह कि आज के युग में विद्यार्थियों का प्रयोग तो सब लोग करना चाहते हैं, किंतु उनके हित की ओर ध्यान किसी का नहीं है। यदि किसी ने इस ओर ध्यान लग किया तो सबसे पहले वही व्यक्ति जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने इस बारे में ध्यान दिया। किंतु अन्य सब तो विद्यार्थियों की शक्तियों का अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाना चाहते हैं, और इसका परिणाम आज का विद्यार्थी आपके सामने देख रहा है। परिणाम स्वरूप समाज को भी एक अनुशासनहीन विद्यार्थी मिल रहा है, जिससे अपना तो सर्वस्व जिसने नाश कर ही लिया है, किंतु देश और समाज को भी नष्ट करने के लिए जो तत्पर है। इन सब समस्याओं का कारण है इस देश के गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसका आधार वेद आधारित सत्य शास्त्र से उनको भुला देना, इसका कारण मुख्य है। जब हम गुरुकुल पद्धति से विरत हो रहेंगे तब तक समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए आइए हम अपने आज की समस्या के समाधान के लिए वेद की शरण में जावें, गुरुकुलों को फिर से आरंभ कर इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें। बस यही हमारी समस्या का एकमात्र साधन है। हमारी आज के विद्यार्थी के अनुशासनहीन होने के कारणों को बताते हुए मैंने वेद के माध्यम से इसका समाधान आपके सामने रखा है। मेरे विचार से इसका इसके अतिरिक्त अन्य कोई समाधान नहीं हो सकता। आओ हम सब मिलकर प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल को एक बार फिर से अपनाएं। मेरी बहुत समय से विद्यार्थियों के अनुशासन पर कुछ लिखने की इच्छा थी, जिसे मैं आज पूर्ण करने में सफल हुआ हूं। इस पुस्तक के पाठक लाभान्वित होंगे ही, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। यदि कोई त्रुटि हो तो पाठक अवगत अवश्य करवाएं, भूल को स्वीकार करते हुए आगामी संस्करण में उसका निराकरण कर दिया जाए। इस पुस्तक के अन्य भागों के लिए आपको हमारे अन्य वीडियोस का इंतजार करना होगा। साथ ही साथ इस तरह के वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।